वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ मटर से बनने वाले छोले की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे मटर कम से कम 7 से 8 घंटे भिगो ली थी, तो वो मटर काफी फूल गई है। तो मैं इसमें लगभग आधा चम्मच नमक डाल के इसको उबलने के लिए रख दूंगी, कम से कम 4 से 5 सीटी। मटर मैंने रख दिए लगभग 4 से 5 सीटी बजने के लिए। और अब हम चलते हैं इसके लिए ग्रेवी के लिए सामान तैयार करते हैं। मटर जो है हमारी बॉईल हो चुकी है अच्छी तरीके से, तो मैंने यहाँ पर कुकर को खोल लिया है। तो देखिए मटर हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। तो चलिए चलते हैं, हम इसका छोला बनाएंगे। और छोला बनाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी चाट बनाऊंगी। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है थोड़ी सी मटर। तो मैं इसमें डालूंगी कटे हुए प्याज, कटी हुई मिर्ची और कटे हुए टमाटर। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू। तो मटर की चाट हमारी बन गई अच्छी तरीके से तैयार है। तो मटर की चाट हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं मटर का छोला बनाएंगे। छोले की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर कट कर लिए है प्याज, लहसुन और मिर्ची और टमाटर। और मैंने यहाँ पे ले ली है इमली का पानी। तो मैं चलती हूँ इसको पीस लेती हूँ। मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छी तरीके से पीस लिया है, प्याज लहसुन को और टमाटर को। तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। आपका जैसा टेस्ट है आप ऐसा नमक डाल सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कुटी हुई थोड़ी सी मिर्ची। मैंने पहले हरी मिर्ची भी ली थी दो, तो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ लाल मिर्ची। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। और मैं चल रही हूँ अब इसको छौंकने। मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया है कुकर, और कुकर जो है काफी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। छोला है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऑयल पड़ता है। ऑयल जो है हमारा काफी गर्म हो चुका है, तो मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग। और अब मैंने जो ग्रेवी के लिए प्याज पीसी थी, तो अब मैं उसको छौंकूंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिर्ची, और इसको अच्छी तरीके से ब्राउन भूनने दूंगी। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं पिसा हुआ मसाला ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई प्याज को छौंक लिया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। मसाला जो है हमारा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो मैं अब पिसा हुआ टमाटर डालूंगी और उसके साथ साथ में इमली का भी पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्का ब्राउन ना हो जाए और ऑयल पूरी तरीके से ना छोड़े। मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, तो देखिए ऑयल भी छोड़ गया है मसाले में
तो अब हम इसमें बॉइल किए हुए मटर को ऐड करेंगे और उसके साथ पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने देंगे। हम इसको लगभग 1 सीटी लगा लेते हैं। मटर की चाट और मटर का छोला हमारे बनकर रेडी है। तो मैं यहाँ पे मटर की चाट में थोड़ा सा नमकीन ऐड कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही है हमारी मटर की चाट और ये रहा हमारा मटर का छोला। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।